हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शाश्वत और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड के हरिशंकर परसाई के जीवन परिचय के बारे में। ठीक है, हरिशंकर परसाई का जीवन परिचय मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो क्लास ट्वेल्थ का हरिशंकर परसाई वाले चैप्टर में आप अच्छे से देखते रहिएगा, जीवन परिचय मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। साथ ही साथ इस वीडियो का PDF भी मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, सबसे ऊपर जा करके इसका PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो को शुरू करने से पहले अपने नए मेहमानों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जितने भी नए मेहमान आए हैं हमारे इस वीडियो पे, वो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं ताकि इसी तरह के बेस्ट वीडियोस आप सभी को आपके मोबाइल फ़ोन में मिल सके। तो आप ज़रा इधर गौर कीजिए, 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 इतनी ज़्यादा बार पूछा गया है हरिशंकर परसाई का जीवन परिचय। तो आप बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा, डेफिनेटली आप इसको लर्न कर लीजिएगा। दोस्तों आइए बताता हूँ आपको कहाँ कहाँ से लिखना है और कहाँ से स्टार्ट करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। ठीक है, श्री हरिशंकर जी का जीवन परिचय बताऊँगा मैं आपको, तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। श्री हरिशंकर जी का जन्म मध्य प्रदेश के इटारसी के निकट जमानी नामक स्थान पर 22 अगस्त 1924 ईस्वी को हुआ था। आरंभ से लेकर स्नातक तक की इनकी शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई थी। नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी में MA की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। परसाई जी ने कुछ वर्षों तक अध्यापन कार्य किया तथा साथ साथ साहित्य सृजन आरंभ किया। नौकरी को साहित्य सृजन में बाधक जानकर, यानी कि नौकरी को वो बाधक समझते थे अपनी, तो उन्होंने बाधक जान करके इन्होंने उसे तीजांजलि दे दी। तीजांजलि मतलब दोस्तों होती है छोड़ दी नौकरी। तीजांजलि का मतलब होता नौकरी त्याग देना, छोड़ देना, कुछ भी आप कह सकते हो। ठीक है, तीजांजलि दे दी और स्वतंत्रता पूर्वक साहित्य सृजन में जुट गए। इन्होंने जबलपुर से वसुधा नामक साहित्यिक मासिक पत्रिका का संपादन और प्रकाशन आरंभ किया, परंतु आर्थिक घाटे के कारण उसे बंद कर देना पड़ा। इनकी रचनाएं साप्ताहिक, हिंदुस्तान, धर्मयुग आदि पत्रिकाओं में नियमित रूप से प्रकाशित हो रही हैं। और साथ ही साथ परसाई जी ने मुख्यतः व्यंग्य प्रधान ललित निबंधकों की रचना की है, जो कि 10 अगस्त रचना की है, यहाँ तक ही लिखना, फिर आगे लिखना 10 अगस्त 1995 यानी कि 10 अगस्त 1995 ईस्वी को जबलपुर में इनका देहावसान हो गया। कहाँ पे इनका देहावसान हुआ था? जबलपुर में। तो जो दो चीज़ आपको एकदम डेफिनेटली से याद रखनी है, एक चीज़ तो है इनका मृत्यु जिस दिन हुई थी उस दिन वो आपको याद रखना है, और एक दिन जिस दिन इनका जन्म हुआ था, यानी कि 22 अगस्त 1924 में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु काल हुआ था 10 अगस्त 1995। ठीक है, तो आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे 22 अगस्त है और यहाँ पे 10 अगस्त है, उधर इधर 1995 है और तो उधर होगा दोस्तों आपका 1924 ईस्वी में। बस यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, याद रखनी है। अब बात करते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। तो इनकी रचनाओं को मैंने यहाँ ज़्यादा दे रखा है, मगर ये सभी रचनाएँ आपको नहीं लिखनी है, डरिए मत। इनमें से कुछ रचनाएं आप लिख सकते हो, मैंने ज़्यादा इसलिए दे रखी हैं आपको, जो पसंद हो, जो अच्छी लग रही हो, जो आपको जल्दी याद हो जाए वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे कि हंसते हैं रोते हैं इनकी पहली हो गई, ठीक है, जैसे उनके दिन फिरे दूसरी हो गई, रानी नागफनी की कहानी तीसरी हो गई, और तट की खोज चौथी हो गई। चार रचनाएँ आपको इसी लेखक के जीवन परिचय में लिख देने हैं, चार से पाँच भी लिख सकते हो, मगर ज़्यादा लिखने की कोशिश ना करना, चार या पाँच दो डेफिनेटली आप लिख देना। तो बस दोस्तों यहाँ तक कि आपको इनका जीवन परिचय है। उम्मीद करता हूं कि मैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आप एक छोटा सा काम करो, जाकर के इसका PDF डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर वाले लिंक में दे रखा है। वीडियो को अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो क्या देख रहे हो, तुरंत वीडियो को शेयर करो अपने सभी दोस्तों से, व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल वाले बटन से हमारे चैनल को तुरंत एक सेकंड के अंदर सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाओ। मैं मिलता हूं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।